मैंने अरबी बनाने के लिए आधा किलो अरबी ली है। अरबी को मैंने अच्छे से उबाल लिया है, एक सीटी लगा के पैन लिया है और इसमें दो बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल गरम किया है, दो लाल मिर्च तोड़ के डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में हनु एंड द फैमिली। आप लोग तो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अपना साथ और अपनापन बनाए रहें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। बस आप वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपको पता है हनु छोटे हैं, और दूसरा ये कि हनु की तबीयत संडे से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी ये थोड़ा सा ठीक हुए हैं। हनु को पोटी, उल्टी, फीवर सब कुछ हो रहा था और मैंने इनको परसों दिखाया भी बेटा, तो डॉक्टर ने दवा ववा दी है, बोला है कि सीजन भी है तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हनु के दांत भी आ रहे हैं, मतलब ऊपर के चार और नीचे के दो थे, तो शायद इस वजह से भी हो रहा है, सब दांत फूली हुई हैं तो मे बी शायद इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। वैसे हनु के जितने भी दांत निकले उनको पोटी वोटी नहीं आई है, आराम से मतलब दांत इनके अच्छे से निकल आए, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। बट इनको पता नहीं क्यों ऐसे खाने से कुछ दिक्कत हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया था कि इनको उल्टियाँ हो रही थी। आज सुबह भी इन्होंने सोते सोते मतलब उल्टी करी है, उठे हैं तो पूरा उल्टी सब बेडशीट पर सब पे था, तो फिर मैंने जल्दी से उठ के इनको सही किया। सब चीज़ें टेंशन हो जाती है ना, बच्चे को कुछ होता है तो फिर मन परेशान हो जाता है, तो मन ही नहीं हुआ कुछ करने का। तो फिर आज हनु थोड़ा सा ठीक हुए हैं, थोड़ा सा फेस से इनके लग रहा होगा आपको, वैसे मतलब चिड़चिड़ा इतना हो गया था और बात बात पे रोना, जिद करना, और खाना तो ये अभी भी नहीं खा रहे हैं ठीक से। हनु की आदत नहीं है बाहर की चीज़ें खाने की, ये फ्रूट शूट इनको बहुत पसंद है, एप्पल, बनाना, खीरे ये खाते हैं, मतलब ये सब घर की चीज़ें खाते हैं। तो मैं इनके लिए कई चीज़ें ट्राई करके बना बना कर दे रही हूँ पर ये कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अभी शाम को उठे इन्होंने फिर पोटी वोटी करी, तो फिर मैंने चिल्ला बनाया इनके लिए पर इन्होंने खाया नहीं, तो फिर हमने कहा चलो दलिया बनाते हैं, तो मैं दलिया भी इनके बना के रख के आई हूँ और फिर अभी मैं खिलाऊंगी इनको। दलिया लें अपना खिलौनों के साथ, अभी तक बैठे थे अब चले गए हैं। हनु यहाँ आइए, देखो आपको कौन बुला रहा है, यहाँ आइए, यहाँ आइए, मम्मा पास आओ। और सबको अपनी गाड़ी दिखा दो, हनु ने गाड़ी ली है ना, ये लिया है, जेसीबी लिया है, ये हाँ ऐसे दिखा दो सबको। हाँ हाँ, इधर इधर आके दिखाओ, इधर आके दिखा दो हनु का अपना टॉय दिखा दो। हाँ ये हनु ने लिया है, हनु का है, किसका है ये बताओ, हनु का। अच्छा भैया, अब ये कौन लाया था, किसने दिलाया आपको ये? मम्मा और पापा ने भी तो दिलाया है, किसने दिलाया? पापा ने दिलाया। अच्छा भैया, कोई भी चीज़ होता है पापा ने दिया, पापा ने किया। हनु की तबीयत तो ठीक वीक थी नहीं, तो ये आया था बेचने बाहर, तो मैंने लिया हनु के लिए। देखिए हनु आप लोगों से बात, मैंने मीशो से हनु के लिए छोटी सी प्लेटें वगैरह मंगाई हैं, स्पून, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हनु कलरफुल प्लेट दे के शायद खाना वाना खाना सीख जाए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों मैंने हनु के लिए मीशो से ये प्लेट मंगवाई है कि हनु शायद कलरफुल ऐसे देख के कुछ खाना सीखें और खाएं भी अच्छा अच्छा। तो ये मुझे तीन प्लेटें ऐसी रिसीव हुई हैं इस तरह से, देखिए ये कलर में, और ये मुझे 205 रुपये में मिली है तीन प्लेटें। और ये देखिए ये सेट के साथ के स्पून इस तरह से ये मुझे रिसीव हुआ है, तो ये मैंने हनु के लिए मंगाया है। तो बस मैंने ऐसे ही मंगाया था, सोचा था मंगाया है तो आपसे शेयर कर लेती हूँ आपसे। अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हों तो उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए मंगाना होगा तो आप ज़रूर मंगाएं। बच्चे ऐसे प्लेटें कलरफुल देख के खाना सीखते हैं और ऐसे बहुत ही लाइट वेटेड हैं ये फोक और ये स्पून, तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर मंगाएं और उनको खिलाएं। हनु कैसे खाओगे, खा के बताओ। ऐसे ऐसे तो नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, पकड़िए ऐसे ऐसे। आप कैसे खाओ, मम्मा खिलाओ, ऐसे मम्मा खिलाओ। हनु कैसे खाएगा, हनु कैसे खाएगा, हनु हनु कैसे खाएगा, हनु कैसे खाएगा। लो हनु गुस्सा हो गया, लो अच्छा खाना बना लो, खेल लो। अच्छा सबको बताओ दलिया खाना है,
दलिया खाना है? कैसे खाते हो दलिया बताओ? ये टूट गया, कैसे तोड़ा? आपने तोड़ा है इसको? तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा अनु को दलिया वलिया खिला दें, अनु के टाइम भी हो रहा है भूख का, तो खिला देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अनु के दलिया ले आई हूँ इस तरह से। किसी दिन मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दलिया अनु की कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो मैं अनु को दलिया खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अनु आजकल खाना खाने में बहुत ही नाटक कर रहे हैं, खाते नहीं हैं जल्दी। तो मैं आप दलिया खाने की कोशिश करती हूँ। हाँ अनु, अच्छा अनु सबको बताओ, अनु सैनिटाइजर कैसे करता है? ऐसे अब कर लो, अब करो, ऐसे करो, हैंड सैनिटाइज करो। देखो कि अनु ने दलिया बिल्कुल भी नहीं खाई है, और मेरा मूड भी बस अनु की वजह से डिस्टर्ब रहता है कि वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है और वो कुछ खा पी भी नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन है इस बात की। इसलिए मैं, तो मैंने आज सुबह बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, और अरबी यूपी वाले, अगर कानपुर वाले देख रहे हो तो वो घुइयां भी बोलते हैं उसको, और वैसे अरबी बोलते हैं। तो अरबी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी सुबह, तो मैंने सोचा कि आज उसका भी वीडियो थोड़ा सा शूट करके आपको डाल देती हूँ कि आप भी देखें, और वैसे बनाएं उसको, देखिएगा, बताइएगा कि अरबी की सब्ज़ी कैसी बनी है। यहाँ मैंने अरबी बनाने के लिए आधा किलो अरबी ली है। अरबी को मैंने अच्छे से उबाल लिया है एक सीटी लगा के, और इसे अब हम काटेंगे गोल गोल, ऐसे काट लीजिएगा। आपकी जितनी बड़ी अरबी हो उस हिसाब से आप काटिए। आप थोड़ा पतला काटिएगा तो आप अरबी जो है थोड़ी क्रिस्प बनेगी, और मसाला भी अच्छे से भीग जाएगा। इसी तरह से सारी अरबी को हम अच्छे से काट लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारी अरबी को अच्छे से काट लिया है इस शेप में, और अब हम इसके बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और इसमें दो बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल गरम किया है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन आप जरूर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। दो लाल मिर्च तोड़ कर डाल दीजिए, और आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच हींग। हमारा जीरा अजवाइन जो है वो लाल हो गया है, उसमें हम हल्दी डालेंगे, हल्दी एक चम्मच डालेंगे, एक छोटी चम्मच, उसको चलाएंगे, और अब डालेंगे अरबी। अरबी डाल के चलाएंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, हल्दी में अरबी को इस तरह से मिला दीजिए, और अब हम सभी मसाले ऐड करेंगे। मसाले में आप डालिए एक बड़ी चम्मच हल्दी, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच खटाई या अमचूर पाउडर, एक पिंच डाल दीजिएगा आप कश्मीरी में, इससे पहले बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच डाल दीजिए भरवा मसाला, जो मैंने घर पे ही बनाया है, और थोड़ी सी डाल दीजिए कसूरी मेथी, इस तरह से क्रश करके, और इसमें इसको हम पहले अच्छे से चला लेंगे। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है अरबी का, इसलिए कि आपको इस मसाले के साथ इसको अच्छे से लाल लाल भूंजना है। ये देखिए दोस्तों, अभी से कलर कितना अच्छा आ गया है। दोस्तों अब इसमें नमक डालिएगा,
यहाँ मैं नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ, 1 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप अर्जी बना रहे हैं, और इसको प्रॉपर चला लीजिए इस तरह से। देखिए दोस्तों कलर कितना अच्छा आया है, थोड़ा सा इसको और भूनना। ये सब्जी बहुत है, अगर आपने अर्जी पहले से उबाल के रखी है तो मुश्किल से आपको 5 से 8 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, और आप इसको पराठे से खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी अभी तो अर्जी का सीज़न है, आप इसको घर पे लाइए और अच्छे से बना के खाइए पराठों के साथ, दाल चावल के साथ। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे, बेसन डालने से ये सब्ज़ी और रिच हो जाएगी और भी टेस्टी लगेगी। यहाँ मैं 2 छोटे चम्मच बेसन के डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालना है, और इसको प्रॉपर चला लेंगे। इससे बहुत सूंघा सूंघापन आएगा जैसे कि बेसन में आता है, इसको प्रॉपर आप चला लीजिए। दोस्तों देखिए मैंने बेसन डाल के इसको प्रॉपर चला लिया है, आपको दिख रहा होगा तो आप प्लीज़ देखिए, देखिए कितने लाल लाल इस तरह से बेसन डालने से, और उससे पहले भी आप धीमी आँच पे इसको इस तरह से चला चला के अलग पलग के भूजेंगे तो बिल्कुल अर्जी एकदम क्रिस्प बनेगी आपकी। और मैंने आपसे कहा ना कि इसे 5 से 10 मिनट के अंदर ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है अगर आपके पास अर्जी उबली हुई रखी हो तो ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली सब्जी है, और आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको अच्छे से भून लीजिए तभी खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी में थोड़ा सा लसलसापन होता है। और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप अरबी उबालें, आप इसको छीलने के बाद 15 या 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप इसको काट के जब बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी चिपकी चिपकी नहीं लगेगी। और अरबी बनाने में थोड़ा सा 2 चम्मच अगर बेसन डाल देंगे तो और भी खिली खिली बनेगी। प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा घर पर। दोस्तों देखिए अरबी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे इस तरह से, और बस ये तैयार है आपके खाने के लिए। आपको डिश अच्छी लगी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी का ये व्लॉग मैं सबके लिए थैंक्स बोल रही हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, और मुझे मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें, और तब तक के लिए आप आगे की अरबी की सब्ज़ी को ट्राई करें, इंजॉय करें, और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और तब तक के लिए फिर आप अच्छे से रहें, सेफ रहें, और मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।